हम लोग जब आए थे 2017 में अनएम्प्लॉयमेंट यूपी का 19 के आसपास था, पर आज लोग इस बात को लेकर आश्चर्यचकित होते हैं कि आज यूपी का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वह 3 और 4 के बीच में है। 3 और 4 रोजगार की संभावना, नौकरियां बढ़ी है। दूसरा, पारदर्शी तरीके के साथ हर व्यक्ति को नौकरी की संभावनाओं के साथ जोड़ने का कार्य भी किया गया। कोई भेदभाव नहीं, अगर योग्य है उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसे वंचित नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रतिभा को उसकी जाति, उसके मत, उसके मजहब के आधार पर उसके साथ भेदभाव होना इस समाज के साथ भेदभाव है और समाज के विकास को बाधित करने जैसा। और पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कितनी भी नियुक्तियां हम लोगों ने की हैं, बड़ी बड़ी नियुक्तियां की। अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में 1,64,000 से अधिक भर्तियां हमने की, और कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। बेसिक शिक्षा परिषद में 1,26,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, कोई उंगली नहीं उठा सकता। माध्यमिक शिक्षा में 40,000 से अधिक भर्तियां की, कोई उंगली नहीं उठा सकता। शिक्षण संस्थानों में, टेक्निकल एजुकेशन के संस्थानों में, स्वास्थ्य विभाग में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, इन सभी में नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ संपन्न करने का कार्य हुआ है। और जिसके कारण तात्कालिक रूप से कोई व्यक्ति कोर्ट में गया होगा, कोर्ट ने मेरिट के आधार पर सुनवाई करके अंततः फैसला हमारे पक्ष में किया है, हमारे आयोग या बोर्ड के पक्ष में किया है। और परिणाम है कि हम लोगों ने 6 लाख से अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को अब तक संपन्न किया है और हम लोगों ने तय किया है कि हर वर्ष 1 लाख सरकारी नियुक्तियां और 12 से 15 लाख निजी क्षेत्र की नियुक्तियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य करें।